जीएसटी पोर्टल पर आपको जीएसटी या 3B को फाइल करते हुए बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल के द्वारा जो कैलकुलेशन है वो सही से नहीं की जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट एंड लेट फीस फॉर द प्रीवियस टैक्स पीरियड यहाँ पे जीएसटी या 3B के टेबल 5.1 में कैलकुलेट की गई है। यदि आप इस टेबल को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको डिटेल आ जाती है कि कितना इंटरेस्ट यहाँ पर लिया गया है जीएसटी या 3B में, और यहाँ पर सिस्टम जनरेटेड जीएसटी या 3B को आप क्लिक कर सकते हैं ताकि इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन चेक कर पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर हेल्प बटन दिया गया है, यदि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस आफ्टर द लास्ट डेट एज वेल एज फॉर द इनवॉइसी डेबिट नोट डिक्लेयर्ड इन द करंट टैक्स पीरियड बिलोंगिंग टू अर्लियर टैक्स पीरियड। दोस्तों, यदि आप पिछले टैक्स पीरियड की रिटर्न को लेट फाइल किया है तो उसकी वजह से यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आ रही है, तो आप यहां पे सिस्टम जनरेटेड जीएसटी 3B को क्लिक कीजिए। आप यहां पे टेबल 5.1 यानी कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का ब्रेकअप देख सकते हैं सेक्शन 4 के अंतर्गत। यहां पे टैक्स पे के द्वारा जनवरी 2022 की जो जीएसटी 3B है वो लेट फाइल की गई थी, यानी कि 19 मार्च 2022 को फाइल की गई थी। इस केस में टैक्स पेयर को मंथली जीएसटी 3B फाइल करनी थी, यानी कि जनवरी 2022 की जो जीएसटी 3B है वो 20 फरवरी 2022 तक फाइल करनी थी, तो इस केस में 19 मार्च 2022 को फाइल की गई है, इसलिए 27 डेज का डिले था और 18% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो इस केस में लगता है। तो इस केस में जो टैक्स पेयर के द्वारा जीएसटी की लाइबिलिटी थी, यानी कि IGST, CGST और SGST, वो कैश लेजर के द्वारा पे की गई थी, तो इस केस में 18% इंटरेस्ट 27 डेज डिवाइड बाई 365 इस अमाउंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ 580 रुपीज़ का IGST का इंटरेस्ट आया, 2 रुपीज़ का CGST का और SGST का भी 2 रुपीज़ का इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है जीएसटी पोर्टल के द्वारा, जिसे के टैक्स पेयर को कहा जा रहा है कि वो फरवरी 2022 की जो जीएसटी 3B फाइल करे उसमें पे करें। लेकिन यदि आप जनवरी 2022 की जीएसटी 3B देखेंगे टैक्स पेयर की, तो उसके द्वारा ये इंटरेस्ट ऑलरेडी जनवरी 2022 में फाइल कर दिया गया था, जब जनवरी 2022 की जो जीएसटी 3B है वो फाइल की गई थी। इस प्रकार यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे किया जा चुका है जनवरी 2022 में, उसे कंसीडर नहीं किया जा रहा है जीएसटी पोर्टल के द्वारा, जब वो फरवरी 2022 में इस अमाउंट को कंसीडर कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि आप डबल पेमेंट कर दें, यानी कि प्रीवियस टैक्स पीरियड में आप ऑलरेडी इंटरेस्ट की पेमेंट कर चुके हैं, तो फिर आपको नेक्स्ट पीरियड में इस इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप पिछले टैक्स पीरियड की एक बार जो जीएसटी 3B है वो ओपन करके देख लें कि कहीं आपने अपने आप यानी कि सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी पहले ही तो नहीं पे कर दी है, तो उस केस में आपको नेक्स्ट मंथ में दोबारा से लायबिलिटी पे नहीं करनी है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको ये दोबारा से यहाँ पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी दिखा रहा है नेक्स्ट टैक्स पीरियड में, जबकि आप पहले ही पे कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे जैसे ही जीरो करेंगे तो उस केस में आपको वार्निंग आएगी कि ये जो सिस्टम कंप्यूटर इंटरेस्ट लायबिलिटी है उसे आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्मेशन पे प्रेस करेंगे, उसके बाद देखिए टेबल 5.5 जो है वो रेड में हाईलाइट हो गया है कि यहाँ पे आपने चेंज करने की कोशिश की है जो सिस्टम के द्वारा कंप्यूट किया गया है। लेकिन इसके लिए हमारे पास रीज़न है कि हम प्रीवियस टैक्स पीरियड में ऑलरेडी ये इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, तो अब दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें जब जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी 3B को फाइल करें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Sabir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।